हाय एंड वेलकम टू सिविल आर्किटेक्ट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 में देखने वाले हैं कि ऑटोकैड का 2D प्लान का रेंडर किस तरीके से फिनिश किया जाता है। ओके, तो पार्ट 2 में ही हमने सभी कुछ सीख लिया, जैसे कि टाइल्स को कैसे पोरिंग करते हैं और वॉल में सॉलिड कलर कैसे एंड ग्रास और सभी टेक्सचर को किस तरीके से दिया जाता है, वो पार्ट 2 में ही हमने सीख लिया है। अब बस पार्ट 3 में बस हमें इतना ही देखना है कि इंटीरियर सभी जो प्रोजेक्ट हम यहाँ पर इंटीरियर के ब्लॉक्स जो इंपोर्ट करते हैं उसे कैसे किस तरीके से एडिट किया जाता है एंड पूरे प्लान को अच्छी तरीके से कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो प्लीज़ आपने अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि अगर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे तो आप पार्ट 3 में कुछ नहीं सीख पाओगे। ओके, तो इसके लिए मैं रिकमेंडेड करूँगा कि तीनों पार्ट एक साथ ही देखें तो बढ़िया तरीके से आप फोटोशॉप भी सीख जाएंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। एरिया है उसकी टाइल्स भी सेम ही प्रोवाइड करने वाले हैं एंड साथ में ये जो स्टेप्स है उसे भी उसी टाइल से हम पोर करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लेयर 1 सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से मैजिक वन टूल लेना होगा एंड ये तीनों एरिया को सिलेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो इस वाले बात एंड WC को भी मैंने सिलेक्ट कर दिया है। ओके, तो एंड दोनों स्टेयर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से फिर से मैं जो भी टाइल मुझे पोर करनी है वो ओपन कर लूँगा। तो ये वाली टाइल्स को मैंने ओपन कर लिया है एंड बस अब इसे मैं यहाँ से कंट्रोल ए टाइप करूँगा एंड एडिट में जाके डिफाइंड पैटर्न कर दूँगा एंड सिंपली ओके कर दूँगा। तो यहाँ से हम अनटाइट 1 में फिर से आ जाएंगे एंड इस वाले ऑप्शन में से पैटर्न कर देंगे। तो हमारी टाइल्स यहाँ पर आ चुकी है एंड इसका स्केल भी हमें बहुत कम करना होगा। तो इसे मैंने 5050 का स्केल कर दिया है एंड बस अभी सभी जगह टाइल तो हमने पोर कर दी है। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पर इंटीरियर की। तो और हाँ, अभी पार्किंग टाइल्स भी बाकी रह गई है। तो इसके लिए भी हम लेयर 1 में जाके सिलेक्ट कर लेंगे जो भी पार्किंग एरिया और बाकी का मार्जिन है वो सिलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा फाइल में से जाकर ओपन एंड देन इस वाले टाइल्स को सिलेक्ट कर लिया एंड इसे भी मैं डिफाइन पैटर्न कर दूंगा। तो कंट्रोल ए टाइप करूंगा एंड यहां से एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न कर दूंगा। ओके एंड जस्ट ओके, तो अब फिर से हमारे प्लान में आ जाते हैं एंड यहां से हम पैटर्न कर देते हैं। तो अभी भी इसका स्केल बड़ा लग रहा है तो इसे स्केल को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लाइक 47। ओके, एक बार देख लेते हैं कि हमारे प्लान में कहीं पर कोई डार्क या लाइट कलर करने की ज़रूरत तो है नहीं। तो यहाँ पर मुझे लिविंग रूम की ये टाइल्स थोड़ी ज़्यादा ही वाइट लग रही है तो इसे मैं डार्क करना चाहता हूँ। अगर आपको इसे डार्क करना है तो किस तरीके से करना है, तो पहले तो आपको ये लेयर ढूँढना है। तो यहाँ पर सभी लेयर को एक बार ऑन ऑफ कर देते तो ये किचन का था एंड ये लेयर 3 नहीं। ओके, तो ये लेयर लिविंग रूम का है। ओके, आपको ये पता चल गया। तो अब क्लिक यहाँ पर रखिए एंड देन यहाँ पर ब्लैक जो दिख रहा है उस पर यहाँ पर एरो की रखिए एंड साथ में कंट्रोल प्रेस करिए की एंड क्लिक करिए तो हमारा ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ से आपको कर देना है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में। तो ब्राइटनेस यहाँ पर मैं कम कर देता हूँ एंड कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ। ओके, तो ये अब हमारी टाइल्स थोड़ी ब्राइट दिख रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर टाइल्स का जो भी शेड है वो चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर आपको लगता है कि थोड़ा अभी भी चेंज करना है तो फिर से वहाँ पर आप जाकर
इस तरीके से कर सकते हैं। तो गलती से मैंने यहाँ पर ऑटो में क्लिक कर दिया है, तो आप यहाँ पर ऑटो सेट भी कर सकते हैं वैल्यूज़ ओके एंड दूसरी कोई भी सेटिंग आप करना चाहते हो तो इसे भी आप कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करनी है, पैटर्न में कंट्रोल टाइप करना है, इसलिए ये पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से वहाँ पर ऑप्शन में जाना है, आप वहाँ पर से ह्यू सेचुरेशन ब्लैक एंड वाइट सभी को आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं तो इस तरीके से मैंने टाइल्स को चेंज कर दिया है। तो अब बात करते हैं स्टेयर की, तो स्टेयर के लिए भी हम यहाँ पर लेयर वन में चले जाएंगे एंड एक एक स्टेयर को सिलेक्ट करते जाएंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से पैटर्न भी यहाँ पर पोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने अब कोई इस तरीके की पैटर्न या फिर इस तरीके की पैटर्न यहाँ पर मैंने पोर कर दिए ओके एंड यहाँ से मैं सिंपली ओके कर दूंगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये स्टेयर कुछ अजीब सा दिख रहा है, तो इसके लिए भी हम एक आइडिया यूज़ कर सकते हैं कि ये जो भी न्यू लेयर क्रिएट हुआ है स्टेयर का, तो यहाँ पर डबल क्लिक करना है आपको, जहाँ पर उसका नाम लिखा है वहाँ पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आप बेवल एंड इम्बोस कर सकते हैं ओके। यहाँ पर क्लिक दे एंड इसे इनर बेवल में जाकर डेप्थ को थोड़ी बढ़ा दीजिए, साइज को भी थोड़ी बढ़ा दीजिए ओके। एंड आप अगर चाहे तो यहाँ पर ये कंटूर एंड टेक्सचर है उसे भी यूज़ कर सकते हो ओके। तो आप या फिर ग्रेडियंट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो यहाँ से ही एंड उसमें आप इनर शेडो भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनर शेडो से दे दूंगा ओके। तो मुझे यहाँ पर कलर पोर करूँगा तो कुछ अच्छा दिखेगा ऐसा मुझे लग रहा है, तो इसे थोड़ा सा इस तरीके से कलर कर दूँगा एंड देन ओके। तो अगर आपको लगे कुछ ज़्यादा ही इम्बॉस हो गया है तो यहाँ से फिर से आप डबल क्लिक करके जो भी सेटिंग्स है उसे आप थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते हैं ओके। तो अब कुछ बढ़िया लग रहा है, तो मुझे स्टेयर कुछ इस तरीके की अच्छी लगी है। मैंने यहाँ पर ही सारे सेटिंग्स में चेंज करके देखिए, इसी सारे सेटिंग में चेंज करके इस तरीके की स्टेयर क्रिएट कर ली है। अब फाइनली हम अपना जो भी इंटीरियर है उसे यहाँ पर लाने वाले हैं। तो इंटीरियर के लिए पहले ही हमने यहाँ पर 3 फाइल तो ओपन कर ली थी, जिसमें से 2 फाइल हमारी पीडीएफ की थी। तो ये एक पीडीएफ वाली फाइल तो ओनली हमारे वॉल की थी एंड दूसरी पीडीएफ में हमारी वॉल भी आई एंड साथ में इंटीरियर भी आया। तो इसके लिए आपको पहले चेक कर लेना है कि कौन सी वॉल वाली फाइल है। ये वॉल वाली है तो इसे हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, डिलीट तो इसे हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से डिलीट कर दिया है मैंने एंड बस अब ये इंटीरियर की थी, तो इसे भी इमेज में सॉरी लेयर में जाके फ्लैटन इमेज कर देना है ओके। तो फ्लैटन इमेज करने के बाद आपको ये सारा का सारा सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए जैसे ही मैंने पहले बताया कि इसे डार्क कर देंगे, थोड़ा सा डार्क करने के लिए कंट्रोल एल टाइप करेंगे एंड ये जो मिडल वाला है इसे इस तरीके से डार्क कर लिया है ओके। अब किसी भी एक पार्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करके सिमिलर कर देंगे, ताकि जितने भी ब्लैक कलर का हो सभी पार्ट एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे ओके। देखिए यहाँ पर ये ब्लू था तो ये सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो इस तरीके का पार्ट हम खुद सिलेक्ट कर लेंगे। अभी भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या सारे के सारे ड्राइंग सिलेक्ट हो चुके हैं ना। तो ओके
मुझे यहाँ पर सभी सिलेक्ट हुआ नज़र आ रहा है, तो रेडी डन। अब यहाँ से हम इसकी कॉपी करने वाले हैं, कंट्रोल सी टाइप करेंगे एंड यहाँ से हम जाएंगे अपने फाइल में एंड लेयर वन में क्लिक होनी चाहिए एंड कंट्रोल वी। लेकिन कंट्रोल वी करने के बाद भी कुछ यहाँ पर आ नहीं रहा है। लेयर फोर हमारा आ तो गया है, ओके एक लेयर तो ऐड हुआ है, लेकिन हमें कुछ ये विजिबल या फिर इनविजिबल होने पर भी कुछ दिख नहीं रहा है। इसका रीज़न ये है कि ये जितने भी लेयर ऊपर है यानी टाइल्स और सब के, वो इसे कवर कर देता है यानी हमें दिख नहीं रहे। तो इस लेयर को हमें सबसे ऊपर रखना पड़ेगा तभी हमें दिखने वाला है। तो इसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके माउस को प्रेस करके रखेंगे एंड इस तरीके से ऊपर उठाकर रख देंगे। जैसे ही रख दिया तो हमारा ये इंटीरियर आ गया है, लेकिन यहाँ पर इंटीरियर की जगह चेंज होकर आई है। ओके तो ये थोड़ा साइड में आ रहा है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेयर फोर सिलेक्टेड है कंट्रोल प्रेस करके रखना है एंड इसे क्लिक कर देना है एक बार। ओके यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये एरो की लेना है एंड कंट्रोल टी टाइप करना है। कंट्रोल टी टाइप करेंगे तो अब इसे आप पहले तो लेयर फोर सिलेक्ट होना चाहिए एंड कंट्रोल टी टाइप करेंगे एंड नाउ यू कैन एबल टू मूव दिस। ओके तो मूव करके मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ इस तरीके से। तो फाइनली हमारा ये जो इंटीरियर है वो एकदम फिट आ गया है इस जगह पर। तो यहाँ पर फिर से एरो की लेकर अप्लाई कर देंगे। तो अब कंट्रोल डी टाइप करूँगा तो इंटीरियर तो हमारा आ गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर हमें ये जो टाइल्स है वो ट्रांसपेरेंट दिख रही है। तो जहाँ जहाँ पर भी हमारा इंटीरियर है, जैसे कि ये सोफ़ा है, तो वहाँ पर ये टाइल्स नहीं दिखनी चाहिए, वो हम अलग कलर से, या फिर जैसे ये डाइनिंग है तो यहाँ पर भी ये टाइल्स नहीं दिखनी चाहिए, तो कुछ रियलिस्टिक लुक दे सके। ओके तो इसके लिए भी हम यहाँ पर ये जो एक टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, तो अब आप खास ध्यान से सुनिए। जहाँ पर भी ये टीवी आ गया, बेड आ गया, वहाँ सभी से हम फ्लोरिंग को कट करने वाले हैं। तो वो कैसे किया जाता है वो भी हम अभी देखने वाले हैं। ये इंटीरियर का देखिए कि लेयर नंबर फोर इंटीरियर का है। ओके तो आपको ये लेयर नंबर फोर याद रख लेना है कि ये लेयर इंटीरियर का है। ओके एंड देन अब हम क्या एक चीज़ और कर लेते हैं कि यहाँ पर जितने भी ये जो टाइल्स के लेयर है, यानी कि ये लेयर हो गया, फिर ये लेयर हो गया, इन सभी लेयर को एक ग्रुप ही क्रिएट कर लेते हो। ओके यहाँ से आप न्यू ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ओके क्रिएट अ न्यू ग्रुप, तो ये अब इसे ग्रुप तो क्रिएट कर लिया, लेकिन इसे ग्रुप में डालना होगा हमें। ओके तो इस तरीके से हम इसे ग्रुप में डालते जाएंगे। ओके डन, तो ये हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये क्लोज। ओके तो आपको ये जो अपने इंटीरियर का जो लेयर है उस पर यहाँ पर सिलेक्ट रखना है इस लेयर को एंड आपको ये पहले तो ग्रुप ऑफ कर देना है। ओके यानी सभी टाइल्स चले जाए एंड देन मैजिक वाउंड से आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर देना है। अब ग्रुप को फिर से ऑन कर देना है। डन, ग्रुप को ऑन कर दिया। नाउ आपको यहाँ से लेयर मास्क ऐड करना होगा। तो लेयर मास्क ऐड करने के लिए ध्यान रखें, क्लिक हमारी लेयर फोर पर थी, अब वहाँ से हमें ये सिलेक्ट करके फिर से क्लिक आपको ग्रुप में ले लेनी है। ओके एंड देन आपको मास्क ऐड करना है। जैसे ही आप लेयर मास्क ऐड करेंगे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी जहाँ भी टाइल्स का पोर्शन था वो कट हो गया है, देखिए इस तरीके से। ओके सोफ़ा में भी टाइल्स कट हो गया है, फिर यहाँ पर डब्ल्यू से भी ये टाइल्स का पोर्शन कट हो गया है। इस तरीके से हमने ये पोर्शन को कट कर लिया। यहाँ पर किचन में भी ये टाइल्स का पोर्शन कट नहीं हुआ है एंड ये वार्डरोब में भी कट नहीं हुआ है। तो
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से इस ग्रुप में सिलेक्ट रखना होगा एंड रेक्टेंगल टूल लेंगे एंड देन यहाँ से हम रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से कुछ। एंड देन प्रेस द डिलीट की, ओके। ओके, तो यहाँ पर डिलीट की से इस तरीके से डिलीट कर देना है। तो बाय मिस्टेक हमारी कार यहाँ पर से डिलीट हो गई है, तो इसे हम फिर से यहाँ से वापस ले लेते हैं जो कि हमारे इस प्लान में थी। ओके, तो इस तरीके से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी टाइप करना है एंड आपको फिर से अपने प्लान में कंट्रोल वी कर देना है। ओके, एंड इसे कंट्रोल टी की हेल्प से यहाँ पर प्लेस कर देना है। तो अब हमारी कार में कलर पोरिंग करने के लिए अब हमें जस्ट कलर टूल यहाँ पर से लेना है, यहाँ से कलर सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ तरीके से आपको कोई भी कलर यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। लाइक अगर ये रेड जैसा कलर मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आपको पोर कर देना है। ओके, इस तरीके से 2-3 बार क्लिक कीजिए ताकि वहाँ पर अच्छे से कलर पोर हो जाए। जितना ज़्यादा आप क्लिक करोगे वहाँ पर उतनी ही इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ओके, बस अभी ये इंटीरियर में शेडो बाकी रह गया है। ओके, तो उसे भी अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। शेडो के लिए हमने यहाँ पर जो एक ग्रुप क्रिएट किया था बस उस पर ही डबल क्लिक करनी है आपको एंड देन यहाँ पर आपको ड्रॉप शेडो कर देना है। ड्रॉप शेडो में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करना है, किसी भी डायरेक्शन में आप शेडो देना चाहते हो। बस हल्का सा ही आपको इस तरीके से शेडो ड्रॉप करना है। इसको स्प्रेड इस तरीके से ज़्यादा कर दीजिए, डिस्टेंस आप बस इतना सा थोड़ा सा ही रखिए एंड एंगल आप अपने हिसाब से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं एंड बेंड मोड आप यहाँ से मल्टीप्लाई या फिर अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप यहाँ से अब इनर शेडो को इस तरीके से इनेबल कर दीजिए एंड जस्ट इस तरीके से रखना है। डिस्टेंस आपको बस थोड़ा सा ही इस तरीके से देना है एंड चोक थोड़ा सा आपको साइज इसकी थोड़ी सी बढ़ा देनी हो। तो फाइनली यहाँ पर मैंने ग्राउंड फ्लोर का ये प्लान रेंडर कर लिया है फोटोशॉप में। हाँ, 3D रेंडर के मुकाबले फोटोशॉप का रेंडर 2D थोड़ा टफ रहता है क्योंकि यहाँ पर सभी काम हमें अपने मैन्युअली करना पड़ता है। तो इस तरीके से कुछ हम प्लान को रेंडर कर सकते हैं जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। ओके, एंड अगर आप चाहो इसकी JPG में तो यहाँ पर से आप फाइल में से जाके सेव एज कर सकते हो। सेव एज में यहाँ पर मैं डेस्कटॉप में फोटोशॉप यहाँ पर PSD PDD है वहाँ पर आपको
JPEG ये सिलेक्ट कर लेना है, JPEG एंड JPE, ओके। तो ये फाइव फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर नाम दे देना है रेंडर, ओके। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप में सेव करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप JPEG को सेव कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारी फाइल सेविंग हो चुकी है एंड ओके। ये अभी आपको पूछेगा कि आपको इसकी क्वालिटी किस तरह की रखनी है, तो यहाँ पर मैक्सिमम ही सिलेक्ट रखना है एंड ओके कर देना है। बस आपकी फाइल सेविंग होना स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ पर 10% स्टार्ट हो गए, ओके। तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी, यहाँ पर हमारी फाइल आ चुकी है डेस्कटॉप पर, एक बार ओपन करके देख लेते हैं, ओके। तो हमने फुल HD क्वालिटी में अपना प्लान रेंडर किया है, अब काफ़ी ब्यूटीफुल देखने को लग रहा है एंड बस। तो इस तरीके से प्लान को रेंडर करते हैं 2D एंड अभी भी नया वीडियो में लाता रहूँगा ताकि आप लोगों को और इसमें शॉर्टकट की और सभी का इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड फोटोशॉप में भी आप तो रेंडर आसानी से कर सको 2D प्लान को, ओके। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।